आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर सिकरोड़ा मार्ग का उद्घाटन किया है, जो कि लगभग 2.25 करोड़ की लागत से बनेगी। आपको बता दें, पिछले कई सालों से भगवानपुर सिकरोड़ा मार्ग दयनीय स्थिति में था, जिसको लेकर भगवानपुर की राजनीति में काफी भूचाल चल रहा था। भगवानपुर विधायक ममता राकेश की पिछली सरकार से अब तक काफी प्रेशरत थी। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर इस मार्ग के नवीनीकरण कराने का आग्रह किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने इस मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आदेश जारी किए थे। तीन सालों से मैं प्रयासरत हूँ, टेक्निकल विभागीय पेज करते रहे, PMJSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी थी। 2023 तक इसका अनुरक्षण कार्य था, इस वजह से बीच में कई विभागीय दिक्कतें आई, लेकिन उन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री सितंबर 2021 में यहाँ पर आए, उन्होंने भी घोषणा करी हमारे प्रयास को देखते हुए। उनकी घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री घोषणा सेट से सड़क के लिए हमने प्रयास किया, सचिवालय में विधानसभा में मुख्यमंत्री से कई बार मिलना हुआ, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने सिकरोड़ा वासियों का, खेलडे वासियों का, आसपास के गांव वालों का, कि इन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। हालांकि इनकी नाराज़गी भी जायज थी, इस सड़क से चलना दूभर हो गया था और आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती थी। अच्छा, मुझे एक तरफा वोट दे करके जिताया भी था, और मुख्यमंत्री ने भी इनकी समस्या को देखते हुए इस सड़क को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि उनको सड़क ऐसी होगी कि एक पैर यहाँ रखो, दूसरा वहाँ रखो, आराम से चलेंगे। लोकसभा का अब एक लोकसभा लड़ने के प्रत्याशी हैं, जो हेलीकॉप्टर जिनका चुनाव के नेता विधानसभा लड़े थे, वो यहाँ के सिकरोड़ा वासियों ने उन्हें बुलाया होगा, या वो लोकसभा लड़ने की इच्छा से यहाँ पर आए होंगे। उन्होंने भी कहा था कि मैं मानती हूँ कि यहाँ सड़क की स्थिति खराब थी, हमें भी पता था, सभी लोग जानते थे कि खराब स्थिति है, लेकिन आप भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं, हर व्यक्ति समझता है। आप वो टाइम नहीं रहा कि किसी को बरगलाने का काम करें, क्योंकि विधानसभा जिसकी